Hello everyone, we welcome you all at Alliance IAS Academy again at our daily MCQ series through current affair. So, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम daily के 10 MCQs attempt करते हैं, जिसमें मैं आकांक्षा काला और अभिषेक पाल जो मेरे साथ हैं, ये हम यहाँ पर ये question attempt करते हैं और साथ ही हम लोग इन चीज़ों का, इन questions का discussion and explanation भी आप लोगों को करके दिखाते हैं. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको इसमें प्रोसेस है कि आपको स्टार्टिंग हम जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है एंड देन वीडियो को अगेन प्ले करके अपना आंसर चेक करना है. तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इस तरीके से हम अपने 2021 के MCQs को कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आई होप ऑल द बेस्ट टू अभिषेक एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा अटेम्प्ट करें. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. So, which among the following declaration is not associated with ASEAN? Basically, यहाँ पर ये ASEAN की बात कर रहे हैं. आपको पता होगा countries की एक grouping है ASEAN, तो Association of South Asian Countries. So, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से declaration हैं जो ASEAN से related नहीं हैं. Your options are Bangkok Declaration, Shibu Declaration, Bali Concord Second, या फिर नन ऑफ दी अबव. वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए. तब तक अभिषेक पाल भी इससे अपना ट्राई देते हैं. ओके, सो दो फर्स्ट क्वेश्चन है ASEAN से रिलेटेड. तो इसमें अगर हम स्टेटमेंट के वाइज जाएं, यानी कि एक एक ऑप्शन को अगर देखते हुए चले, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है बैंकॉक डिक्लेरेशन, हमने कल के लेक्चर में भी यही डिस्कस किया था कि ASEAN और जो आपका दूसरा है बिम्स्टेक, इन दोनों का डिक्लेरेशन सेम ही है. मतलब एक ही डिक्लेरेशन नहीं है बट नाम सेम है. उसमें नाम बैंकॉक डिक्लेरेशन ही है. वो 1997 में बना था आपका बिम्स्टेक और ASEAN बना था 1999 में. तो पहला तो बिल्कुल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है. आई थिंक बाली कॉनकॉर्ड मैंने पढ़ा है, बाली कॉनकॉर्ड बिल्कुल है ASEAN से रिलेटेड. अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा किस चीज़ से है, बट जहाँ तक मुझे याद है बाली में कुछ ना कुछ तो हुआ था ASEAN से रिलेटेड. बाकी अब दो ही ऑप्शन बचते हैं जिनमें मेरे को देखना पड़ेगा. एक तो ऑप्शन बी बचता है, एक तो नन बचता है. तो शेबू सुना भी लग रहा है, थोड़ा सा ASEAN से रिलेटेड लग भी रहा है. तो अगर इसमें पूछा है नॉट एसोसिएटेड, तो मैं नन के साथ जाना चाहूँगा इसमें ऑप्शन में. देखते हैं, आई होप आप लोगों ने भी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिए हों. अभिषेक का आंसर चेक करते हैं. सो द आंसर इज़ डी, नन ऑफ द अबव. एब्सोल्युटली करेक्ट अभिषेक, क्योंकि ASEAN से वो तीनों ही डिक्लेरेशन ASEAN से रिलेटेड है. अब यहाँ पे अगर हम ASEAN से रिलेटेड कुछ बातें करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि ASEAN इस्टेब्लिश कब हुआ था. तो ये 8 अगस्त 1967 को इस्टेब्लिश हुआ था. कहाँ हुआ था? बैंकॉक से. जैसे कि इन्होंने बताया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि बैंकॉक जगह पर जब ये इस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी फाउंडिंग फादर्स कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड फिलीपींस, ये इसकी फाउंडिंग फादर कंट्रीज़ हैं. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी जब ASEAN फाउंड हुआ था. फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ASEAN की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है, क्योंकि कई जगह मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको इंडिया कहीं नहीं दिखेगा. तो बेसिकली इसकी जो मेंबर्स हैं वो आपके थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, PDR, वियतनाम एंड ब्रुनाई. तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये आपके ASEAN से रिलेटेड हैं, आई मीन ASEAN के मेंबर्स हैं. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी है कि इंडिया ASEAN का मेंबर नहीं है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसमें दो ऑब्जर्वर स्टेट का भी स्टेटस दिया गया है. तो वो स्टेटस भी किसे दिया गया है? वो पापुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्ले को दिया गया है. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ कि आप लोग जिन जिनको पता है तो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करें कि पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे पड़ता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, न्यूज़ में भी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट जाता है. फिर अगर हम बोलें कि ASEAN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है. ओके, एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हैं, लेकिन इसकी वर्किंग लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ASEAN से रिलेटेड ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फिर जैसा कि क्वेश्चन में था कि कौन कौन से डिक्लेरेशन इससे एसोसिएटेड है, तो 1967 में जब ASEAN बना था तो आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था. उसके बाद 2003 में बाली कॉनकॉर्ड सेकंड के थ्रू ASEAN कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आपका 2007 में शिबू डिक्लेरेशन के थ्रू इसको कम्युनिटी को 2015 के अराउंड और इस्टेब्लिश किया गया था, एक्सेलरेट करा गया था, तो ये भी डिक्लेरेशन इससे एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब अगर हम बात करें कि ASEAN और इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, क्योंकि इंडिया तो ASEAN का मेंबर है नहीं, बट स्टिल हमारे रिलेशंस हैं,
तो अब यहाँ पे दो डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक होता है आपका दिल्ली डिक्लेरेशन, एक होता है दिल्ली डायलॉग। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों आसियान और इंडिया के रिलेशन को में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरह होते हैं। तो आई होप आप लोगों का आंसर सही हुआ हो। तो ये काफ़ी मैप एक और मैप बेस है कि कौन कौन सी कंट्रीज आसियान से रिलेटेड है, तो ये मैप में आपको एक बार देखना ज़रूर पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये कंट्रीज सिचुएटेड हैं। कई बार इनका नॉर्थ टू साउथ आपका अरेंजमेंट आ जाता है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट आ जाता है, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो इलेक्शन कमीशन हमने इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है आजकल, फिर न्यूज़ में चल रहा है इलेक्शंस की वजह से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सही पूछा है। पहली स्टेटमेंट है ही होल्ड्स द ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट एज ही इज़ अपॉइंटेड बाय हिम। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं कि क्या आपको देखना है कि क्या उसे प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करता है, और अगर करता है तो क्या वो उसके प्लेजर पे काम करता है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ फिक्स्ड टेन्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं प्रोवाइड कर रखा है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। वीडियो को पॉज करिए। आई होप आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है उससे रिगार्डिंग तो आप उससे भी टाइप कर सकते हैं, और अपना आंसर्स तो ज़रूर टाइप करिए। थैंक यू। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। तो इससे अगर देखा जाए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना होता है तो उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के और सॉरी पार्लियामेंट में पूरी प्रोसीडिंग चलती है, तो जितना मैं लॉजिक लगा पा रहा हूँ आई थिंक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, तो शायद ये गलत हो। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइडेड अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, आई थिंक ये सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए पहला गलत दूसरा सही, बी ओनली। देखते हैं अभिषेक का आंसर सही होता है कि नहीं होता, आप लोगों के आंसर सही होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है नन, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें ना तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ही होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट एज ही इज़ अपॉइंटेड बाय हिम। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेजिडेंट के प्लेजर पे आपका पोस्ट को होल्ड कर रहा है, ऑफिस को होल्ड कर रहा है। दूसरा ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में ये है कि वो प्रेजिडेंट के प्लेजर में ऑफिस को होल्ड नहीं करता है, डिस्पाइट ऑफ दिस कि प्रेजिडेंट उसे अपॉइंट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर किसके प्लेजर पे होल्ड करता है, या प्राइम मिनिस्टर का क्या टेन्योर होता है बताइए? प्राइम मिनिस्टर का ऐसा सच तो कोई टेन्योर नहीं होता, क्योंकि लोकसभा जितनी देर चलेगी उतनी देर उसका टेन्योर होता है, उसके अलावा कोई ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि उनका कुछ होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी आपका प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है, अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे रखा है। अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है इट मींस वो प्लेजर में काम कैसे करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये अगर हम एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, इनका फिक्स टेन्योर दिया गया है 6 ईयर्स का, और फिर या फिर 65 ईयर्स जो भी आपका पहले होता है। ओके, उनका जो स्टेटस होगा, सैलरी होगी, वो सेम होगा एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर वैसे तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ओके, आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम पूरे टॉपिक में नहीं जाएंगे, बस हम कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। आगे का आपका जब पॉलिटी के लेक्चर्स होंगे उसमें आप उसे देख सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जो इलेक्शन कमीशन की हैं, और वो क्या है? क्योंकि देखो, सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बता रखे हैं किसके लिए, जो मेंबर्स होंगे आपके इलेक्शन कमीशन के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म नहीं बता रखा है मेंबर्स के लिए। ओके,
तीसरा इन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आपका उनको डिबार्ड नहीं कर रहा है रिटायरिंग इलेक्शन कमीशन से फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन नहीं करी गई हैं इलेक्शन कमिश्नर के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इन्हें आप नोट करके रख लीजिएगा। फिर आगे अगर हम इलेक्शन कमीशन का हल्का सा ब्रीफ देखें तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ओके, जो कि आपके यूनियन और स्टेट इलेक्शन के प्रोसेस को हैंडल करती है। उसके बाद ये जो बना था ये आपको 25 जनवरी 1950 को बना था और इसी डे को हर साल एज ए नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरीट आपका न्यू दिल्ली में है। तो ये काफ़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, तो इसी हिसाब से आई होप आप लोगों के आंसर सही हुए हों और देखते हैं अभिषेक आगे तुम्हारे आंसर कैसे होते हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो कि है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अभी फिर से न्यूज़ में था, मोस्टली न्यूज़ में ही रहता है और नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए ये क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, अब ध्यान रखिएगा नहीं करता है की बात कर, तो मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। वीडियो को पॉज करिए और अपना कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करिए, तब तक देखते हैं अभिषेक। तो इसमें बात हो रही है बांग्लादेश के बारे में, तो अगर आप बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसको ध्यान में देखें हम तो उसका कुछ इस तरीके से बनता है वेस्ट बंगाल के साइड में। तो होता क्या है, इधर तो वेस्ट बंगाल हो गया, ऊपर से आपका असम आ गया, यहाँ पे मेघालय, तो सबसे पहला तो मेघालय इसमें से हटता है, ठीक है। फिर इधर पे आप जब बात करेंगे तो यहाँ पे आता है मिज़ोरम और त्रिपुरा, दोनों त्रिपुरा इस तरीके से और मिज़ोरम यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ तक आके म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो आई थिंक मिज़ोरम और त्रिपुरा भी हट जाता है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है इसका आंसर होना चाहिए मणिपुर, क्योंकि मणिपुर मणिपुर नहीं करता है। देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका सी, विच मीन्स मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि जैसे आप देख भी सकते हैं मणिपुर काफ़ी इधर पॉइंट पर है और ये सेक्शन आपका पूरा बांग्लादेश वाला होता है। तो मिज़ोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय भी आपका इसमें शेयर करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसको ध्यान में रखिए। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। सो ये आपका IRDAI से रिलेटेड है, विच इज़ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ एन एपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है इशूइंग एंड रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू इंश्योरेंस कंपनी इज़ वन ऑफ इट्स मेजर फंक्शन। अब आपको बताना है कि क्या ये एपेक्स बॉडी है, क्या ये ऑटोनॉमस है। दूसरा आपको बताना है कि क्या ये आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी के। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर टाइप करिए। ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तब तक देखते हैं अभिषेक के लॉजिक। तो इसमें जो बात करी गई है IRDAI के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी अभी रिसेंटली इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ चेंजेस लाए गए थे, उसका जो FDI था उसको 49% से हटा के 74% तक ला दिया गया, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके आने वाले टाइम में, क्योंकि इंश्योरेंस से इंडिया में दो ही चीज़ एक एसोसिएटेड है, एक IRDAI और एक PFRDA, तो इन दो को पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पर आते हैं, इट इज़ एन एपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी। आई थिंक ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो ऑटोनॉमस ही है। दूसरे पे जाते हैं, इशूइंग एंड रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू इंश्योरेंस कंपनीज इज़ वन ऑफ इट्स मेजर फंक्शन। जितना मेरा ध्यान है बिल्कुल प्लेन स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को, बी वाला, तो दोनों सही होने चाहिए, इसका आंसर बोथ होना चाहिए। लेट्स सी इसका आंसर क्या होता है। सो इसका आंसर है बोथ, जैसा कि अभिषेक ने कहा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये एक एपेक्स ऑटोनॉमस बॉडी है जिसे एक एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, जो एक्ट आपका 1999 में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, ये आपके जो रेगुलेट करती है और डेवलप करने में हेल्प करती है आपकी जो इंश्योरेंस सेक्टर है आपका कंट्री का, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, फॉर एग्जांपल ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर्स के, आपके जो आपका ऑप्शन में भी था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट टू इंश्योरेंस कंपनी इन द कंट्री, और ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और इसका फंक्शन है कि ये रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन भी करती है जो रजिस्ट्रेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैंसिलेशन भी कर सकती है रजिस्ट्रेशन के। बाकी ये आपका और फंक्शन में आ जाता है कि ये रेगुलेशन क्रिएट करती है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, इट्स वेरी कॉमन, ओके। सो इसी के साथ आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे स्कोर करे हों, जैसे अभिषेक भी कर रहे हैं। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है।
सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियन. आपको यूरोपियन यूनियन से गलत स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखिएगा गलत स्टेटमेंट बोल रहे. तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 48 कंट्रीज एज इज मेंबर स्टेट. ये 48 कंट्रीज से मिलकर बना है जो इसकी मेंबर स्टेट है. ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स हैव यूरो एज देयर करेंसी. जितने भी मेंबर्स हैं सबकी जो करेंसी है वो यूरो है. तो अब आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन. वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए और देखते हैं आपका आंसर और अभिषेक का आंसर सही होता है कि नहीं. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, वो है इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है. कई बार हम लोग आंसर सही देते हैं लेकिन बिकॉज वो इनकरेक्ट या करेक्ट कर देता है उसे, तो उस वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है. तो सबसे पहले तो इसमें देखना है इनकरेक्ट, तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इसके हिसाब से देखते हैं. पहले स्टेटमेंट लिखा है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 48 कंट्रीज, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें आ जाता है वो आ जाता है 48, क्योंकि इसमें 48 नहीं है, आई थिंक 28 के लगभग हैं जब ये बना था, तो 28 कंट्रीज़ हैं इसके, तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है. तो ये तो बिल्कुल होगा आंसर में. दूसरा, ऑल ऑफ इट्स मेंबर हैव यूरो एज देयर करेंसी, नहीं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूरो को वो एज अ सारी कंट्रीज़ नहीं लेती, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी जो वहाँ की लोकल करेंसी है उसको चलाती है एज अ, तो यूरो हर जगह की नहीं है. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत. देखते हैं इसका आंसर क्या है. एब्सोल्युटली करेक्ट, इसका आंसर बोथ है, क्योंकि जैसा अभिषेक ने भी बताया कि इसमें 28 कंट्रीज़ आती हैं. ये हम बिफोर ब्रेक्जिट की बात कर रहे हैं, मतलब जब हम ब्रिटेन को भी इसमें काउंट कर रहे थे. अब ब्रेक्जिट हो चुका है, अगर आपको ब्रेक्जिट के बारे में बताओ तो ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज़ नोन एज ब्रेक्जिट. ओके, सो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक है. इसमें 19 कंट्रीज़ जो हैं वो यूरो यूज़ करती हैं और बाकी जो इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसमें यूरो यूज़ नहीं करती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी कंट्रीज़, क्योंकि इसका नाम यूरोपियन यूनियन है. ओके, बट स्टिल यहाँ पे आपका सारी कंट्रीज़ यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी यूज़ नहीं करती हैं. फिर अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये क्यों बनाया गया था, ये एक तरीके से एक यूरोपियन पॉलिटिकल एंटिटी के टाइप में सिंगल इंटीग्रेटेड मार्केट डेवलप करने के लिए बनाया गया था. ओके, और इसका जो काम था वो एक तरीके से लॉज को सेटअप करना जो ऑल द यूरोपियन नेशंस में आपका इस्टेब्लिश कर सकें. सो इससे रिगार्डिंग आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2012 में. क्यों? क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन था पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन यूरोप. तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन को आपका नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है. और जो ब्रेक्जिट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये जो प्रोसेस जब आपकी स्टार्ट हुई थी 2016 में, जब पहली बार ब्रिटेन में एक रेफरेंडम करवाया गया था बाय यूके गवर्नमेंट टू हैव अ ब्रेक्जिट. सो इस तरीके से आज अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक ब्रेक्जिट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है. सो इसी के साथ ये मैप बेस है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. ब्रिटेन वाला, यूनाइटेड किंगडम वाला सेक्शन को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि ये ब्रिटेन ब्रेक्जिट से पहले का है. बाकी ये सब कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का आपका पार्ट है. तो आप देख सकते हैं मोस्टली इसमें जो मेजर पावर्स हैं वो भी दिख रही हैं आपको. जर्मनी दिख रही है आपको, स्पेन, फ्रांस दिख रहा है, बाकी आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी दिख रही हैं. तो इस तरीके से आपका ये वाला यूरोपियन यूनियन वाला. तीन चार क्वेश्चंस और उठ जाते हैं, मतलब इसी को क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड होते हुए. एक तो यूरोपियन यूनियन की जब आप बात करते हो तो उसमें एक रीजन है, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंडर ही एक सब पार्ट बोलते हैं हम उसे, कि जहाँ जहाँ पे आप बिना वीज़ा के, अगर मान के चलो आपने सिर्फ एक कंट्री का वीज़ा लिया है तो आप उसी वीज़ा पे बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो, तो उस जोन को क्या बोलते हैं, एक तो वो आपको कमेंट करना है. दूसरा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट होता है ब्रेक्जिट के बाद, वो होता है ओवरसीज टेरिटरी दोनों की, ब्रिटेन की और फ्रांस की, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन कौन सी जगह ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है. जैसे आपको बहुत अलग सा लगेगा कि जो जिब्राल्टर है जहाँ पे आपका ये अटलांटिक ओशन को जोड़ता है स्पेन में, वो जिब्राल्टर ब्रिटेन के अंदर आता है. तो आपके इन सब की पॉइंटों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिब्राल्टर किसकी है, न्यू कैसिडोनिया किसकी है, रीयूनियन किसकी है. तो इन सब चीज़ों को एक बार नोट कर लेना एक बार ध्यान से, और अगर कोई करना चाहे तो उनको कमेंट भी कर देना. एब्सोल्युटली, यूरोपियन यूनियन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बेस्ड ट्रीटीज़ बहुत सारी हैं, आपकी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हो गई. ओके, सो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने अपने आप को सिर्फ लिमिट रखा है जो उसके फॉर्मेशन तक है. आगे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो एक बार इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा. सो इसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन में आते हैं जो कि है आपका DPSP से रिलेटेड. सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकॉर्पोरेटेड
इन DPSP या फिर जिसे हम कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी थ्रू 42nd Amendment 1976. आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो 42nd Amendment 1976 से ऐड किया गया था. योर स्टेट ऑप्शंस आर लाइक ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस. सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. एंड द लास्ट वन इज टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. अब आपको देखना है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन के थ्रू कौन सा ऐड किया गया था, कौन सा पहले से था. और आप वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर टाइप करिए और तब तक देखते हैं अभिषेक. ये पॉलिटी का बिल्कुल स्टैटिक का क्वेश्चन है. इसमें होता क्या है कि जब आप DPSP का चैप्टर पढ़ते हो लक्ष्मीकांत में, तो आपको एक साइड पे सारे बॉक्सेस बने हुए दिख जाएंगे कि कौन से अमेंडमेंट से कौन सा जोड़ा गया. तो इसको अगर आप ढंग से पढ़ते तो उसमें आप देखोगे कि 42nd अमेंडमेंट में आपका आया था टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. तो इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में. तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आप आंसर पे आ गए. तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से डी. देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. आप लोगों ने भी सही दिया हो अगर आप लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर्स अटेंड करे हैं, क्लास में भी और ऑनलाइन भी अगर आपने करे हैं तो भी. सो आंसर इज डी, जैसा कि अभिषेक ने कहा, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से जो चार चीज़ें जोड़ी गई थी, बेसिकली जो चार चीज़ें थी उसमें से एक आपका 39A था, जिसमें आपका टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. सो ये बोला गया था. बाकी आपके और आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 हो गया जिसमें टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. आर्टिकल 43A बोला गया था जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री बोला गया था. आर्टिकल 48A बोला गया था जिसमें आपका इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट की बात करी गई थी. तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था, कौन सा आपका पहले से. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जब आपने DPSPs पढ़ी होंगी तो आपने उनके क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, लाइक उनको तीन उसमें बांटा गया है. तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि वो कौन से तीन मेजर सेक्शन से जिसमें DPSP को फॉर आवर कन्वीनियंस बांटा गया है पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है. अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे टाइप करिए और ऑल लोगों को भी एनलाइटन करिए. अगर हम आगे DPSP की बात करें कि कौन सा पहले से प्रेजेंट था, तो जैसा कि हमने स्टेटमेंट में देखा तो आर्टिकल 48 जिसमें आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करी गई है, आर्टिकल 49 जिसमें मॉन्यूमेंट्स की बात करी गई है, आर्टिकल 50 जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ पावर. ये आपका पूरा एक लेक्चर इसमें हो सकता है जो कि आपका पॉलिटिकल लेक्चर्स में आने वाले दिनों में हो जाएगा. तो सेपरेशन ऑफ पावर भी आपका पहले से ही इसमें प्रेजेंट था. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसके साथ ही हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप आप लोगों के आंसर सही हुए हों, जैसे अभिषेक के भी काफ़ी सही हुए हैं. अब तुमने देखा तो नहीं था कई क्वेश्चंस पहले से? नहीं, हम पहले बिल्कुल बता दें कि ये ऑन स्पॉट ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, इसमें कोई इसमें बताया नहीं जाता है. So, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कल मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं बाहर जाके लॉजिक लगा रहा था, तो मुझे बाद में ध्यान आया मैंने कितनी सिली मिस्टेक की है, मतलब यार ये तो हो ही नहीं सकता था. तो वही मेरे को जब मैं अपने मिस्टेक को देख रहा था, तो वही होता है कि ऑन द स्पॉट आपको कभी कभी वो लॉजिक एकदम से आता है, कभी नहीं आता. और ऊपर से पेपर को जब भी हम करते हैं तो ऑफलाइन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चलाने की मतलब पेन होता है, तो उससे कुछ नई नई चीज़ें नोट कर ली, कुछ कर लिया, तो उसे याद आ जाता है. अब यहाँ पे एकदम से ऑन द स्पॉट करते हैं तो कई बार कुछ लॉजिक जो ऑलरेडी होते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो वही होता है. तो ये 7th क्वेश्चन बिल्कुल सही. और इसी तरह हम अपना 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो रेखा द्विवेला, पीदा ड्वेला आर एसोसिएटेड विद, ये टर्म्स है कुछ न्यूज़ में सुनी होंगी आपने, कल परसों की ही न्यूज़ में थी ये. तो आपको बताना है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है. पहला है आपका फोक डांस, दूसरा है थिएटर, तीसरा है आर्किटेक्चर, चौथा है इंस्क्रिप्शन. अब आप लोग वीडियो पॉज करिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं. मुझे लगता नहीं एक सेकेंड से ज़्यादा लगना चाहिए और अभिषेक को भी नहीं लगेगा इसको जवाब देने में. इसका आंसर अगर आंसर ही देना है तो सबसे पहले आर्किटेक्चर से रिलेटेड है. थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, ये 2 दिन पहले ही न्यूज़ में था क्योंकि लिंगराज टेंपल जो उड़ीसा में है वो न्यूज़ में आया था, तो उसी वजह से अब उस न्यूज़ से उठाया क्या जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर उठाया जाता है, तो उस वजह से रेखा ड्योल और पीडा ड्योल न्यूज़ में आया था. बाकी इसका एक्सप्लेनेशन अब मैम बताएंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट,
काफ़ी हद तक इसमें अभिषेक ने खुद ही बता दिया है। तो ये आपका आर्क एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, टेम्पल आर्किटेक्चर बेसिकली उससे रिलेटेड है। अगर हम मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो रेखा ड्वेलर जो है आपका, ये आपका ये जो ये वाला सेक्शन है ये रेखा ड्वेलर कहा जाता है, जो अबव द श्राइन होता है। ये आपका गर्भगृह होता है, ओके, जहाँ पे श्राइन होता है। फिर आपका ये जो दो येलो बॉक्सेस हैं ये पिटा ड्वेलर होते हैं, और ये आपका खरखरा ड्वेलर इसे कहा जाता है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जैसा अभिषेक ने बताया लिंगराज जो टेम्पल है उसकी वजह से ही न्यूज़ में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे का जो होगा वो आप आपके आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर्स में उसे कवर करेंगे। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। सो अकॉर्डिंग टू द पेटेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिलेटेड टू प्रोडक्ट पेटेंट्स, टर्म फॉर प्रोटेक्शन फॉर प्रोडक्ट पेटेंट शेल बी फॉर, सिंपल कर दूं अगर मैं इसे, तो ये बोल रहा है कि जो पेटेंट एक्ट है आपका अमेंडेड वाला 2005 में, उसके अंडर आपका कितना टर्म बताया गया है एक पेटेंट का। सिंपल है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो आपको बताना है कितना टर्म बताया गया है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। हाँ, इसका आंसर भी मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर है 20 ईयर्स, क्योंकि होता क्या है, जब भी पेटेंट किसी नई कंपनी को दिया जाता है तो उसमें हमारे यहाँ पे जो एक्ट है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, उसके अंडर ये क्लॉज है, और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंडर भी है कि जब भी पेटेंट दिया जाएगा वो 20 साल के लिए दिया जाएगा, और उसमें कई सारे प्रोविज़न होते हैं जिनके थ्रू फिर बाद में, अभी एक केस भी हुआ है जिसमें अमेरिका की एक कंपनी इंडिया की एक कंपनी को एलेज कर रही है कि आपने हमारा जो एक कैंसर ट्रीटमेंट की दवाई है उसकी जेनरिक मेडिसिन बना रहे हो, जबकि हमारा पेटेंट पूरा नहीं हुआ है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में भी आया था। तो इन सब न्यूज़ को थोड़ा सा, कि न्यूज़ जो होती है उसके अलावा भी कुछ जो अलग चीज़ें होती है ना जो हमारे एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ निकालने की कोशिश करनी चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो हम द हिंदू पढ़ेंगे, तो पूरा न्यूज़पेपर हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है हमें वो निकालनी होती है। ओके, तो आंसर देखते हैं, आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसा अभिषेक ने कहा सी इसका आंसर है। तो अगर मैं पेटेंट की बात करूँ तो पेटेंट बेसिकली एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो किसी इन्वेंशन के लिए, याद रखिएगा पेटेंट प्रोडक्ट के लिए भी होता है, प्रोडक्ट की प्रोसेस के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए होता है। ओके, सो अगर हम पेटेंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये 1911 में स्टार्ट हुआ था आपका। ओके, फिर उसके बाद 1970 में लेजिस्लेशन आया जो कि अभी तक आपका पेटेंट उसको गवर्न कर रहा है। ओके, और अगर मैं आगे बात करूं तो इंडिया में इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये आपका बॉडी होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो पेटेंट एक्ट है वो कई बार अमेंड किया गया है, 1999 में, 2002 में, 2005 में, बहुत सारे टाइम पे इसको अमेंड किया गया है। और जो यहाँ पे आपका ये जो अमेंडमेंट होते हैं ये बेसिकली क्यों किए जाते हैं, ताकि जो ट्रिप्स के थ्रू जो आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे समझ कर सकें, इसलिए इसे करा जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर कभी पूछेगा तो वो भी पूछ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर गवर्न होता है ये और GI टेक, दोनों एक ही मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं, तो आपको क्या करना है, जाना है गूगल कर लो या ढूंढ लो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आप मिनिस्ट्री में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, वो कॉमर्स पूछेगा, कॉर्पोरेट पूछेगा, फिनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ट्रिप्स है, WTA से रिलेशन है तो शायद एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को अभी से शॉर्ट करना शुरू कर दें, और तो इसका देख लेना कौन सी मिनिस्ट्री, और कमेंट जरूर करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ज़रूर कमेंट करें और लोगों को भी एनलाइटन करें अगर आपको आता है तो। तो आगे हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू क्वाड। क्वाड मीन्स आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, क्वाड इज द इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, विद अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अ सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, पहला। दूसरा, द आइडिया ऑफ क्वाड वॉज फर्स्ट मूटेड बाई द जैपनीज प्राइम मिनिस्टर सिंजो आबे इन 2007। आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आप वीडियो को पॉज करिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको तो 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, और बस वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट करिए, और अभिषेक भी अपना आंसर एकदम बता दें। इसका आंसर बहुत ईजी है, लेकिन एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं आप, और मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं तो साथ में। तो जो क्वाड था उसकी सबसे पहले जिसने शुरुआत करने की जो नींव बोल सकते हैं या जो आइडिया जो प्रोपाउंड किया था वो बिल्कुल थे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ही थे। 2007 में इन्होंने सबसे पहली बार बात की थी कि हम एक ऐसी ग्रुपिंग बनाते हैं जिसमें कि कितने मतलब कौन कौन से मेंबर हो, एक तो इंडिया हो, USA हो,
आपका जापान हो और ऑस्ट्रेलिया हो, तो यानी कि आपका पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। हाँ, इसमें दूसरी चीज़ अगर कुछ देखना है, ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर इंडिया सपोर्ट फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, आई थिंक ये ठीक होगा जहाँ तक मेरा ध्यान लग पा रहा है, क्योंकि कंट्रीज भी ठीक हैं ये भी। हाँ, तीसरी चीज़ जो इसमें देखने लायक है, इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बस इसमें जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनफॉर्मल या फॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्वाड आई थिंक बोथ होना चाहिए, शायद अगर इनफॉर्मल फॉर्मल में चेंज ना हो, हू नोस किसी ने फॉर्मल का इनफॉर्मल कर दिया हो। yes. किसी ने इंडो पैसिफिक का इंडियन, किसी ने कुछ और कर दिया हो, अटलांटिक रीजन कर दिया हो, वी डोंट नो। अब हम आंसर चेक करते हैं, आंसर इज बोथ। एक्सप्लेनेशन भी नहीं रखा गया है, क्योंकि बिल्कुल ये एग्जैक्टली डिट्टो स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी करेक्ट हैं। क्वाड आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपका तीनों इसमें आते हैं, तो इसीलिए क्वाड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डायलॉग हो जाता है। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत बड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन में, और आगे हम इससे पढ़ेंगे कभी। सो आप इसके साथ आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के लेक्चर के। सो द लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन IUCN's रेड लिस्ट, कौन सा है आपका जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का स्टेटस है। तो आपके ऑप्शंस हैं इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन, एक्सटेंट। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आजकल न्यूज़ में भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा न्यूज़ में रहता है। मैं बता दूं कि हुआ क्या था कि पाकिस्तान के किसी डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शूट किया गया था, इसीलिए ये फिर से न्यूज़ में है। ओके, और आपको पता भी होगा कि राजस्थान की गवर्नमेंट इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी चलाती है, इसीलिए ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो अपना आंसर टाइप करिए। और अभिषेक, और जो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसको तो मतलब इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हो उनको रखो, घुट जाओ, पी जाओ, क्योंकि मेरे को तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारा कोई सेलिब्रिटी इतना न्यूज़ में नहीं रहता जितना ये आ जाता है। हर आपको दूसरे महीने, हर तीसरे महीने, मतलब लगातार न्यूज़ में आता है। बीच में जब एशियन गेम्स हुए तब न्यूज़ में आया ये, उसके बाद जब CMS हुआ तब न्यूज़ में आया, उसके बाद अब न्यूज़ में आया। तो ये साल में आप ये लगा लो 365 में से 300 दिन न्यूज़ में रह सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो देखते हैं अभिषेक का आंसर सही है कि नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो शायद सही होगा, सही ही है, क्योंकि ये इसका आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में है, अपेंडिक्स 1 में साइट्स में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये आपका फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है। सो बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बेसिकली इन लोगों का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो यही होता है कि IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में क्या दिया गया है। तो ये जो है ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है वर्ल्ड की। ओके, और कहाँ मिलता है ये, ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलता है, सबस्क्रैच में मिलता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी चला रखा, क्योंकि राजस्थान में इसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी मिलती है। तो इस तरीके से हमारे ये वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूरा होता है। और आई होप आप लोगों ने आंसर अच्छे से दिए हों, अपने लॉजिक्स लगाए हों, सबका यूज़ किया हो, जिस तरीके से अभिषेक ने अपनी कलेक्टिव नॉलेज का यूज़ किया है, आप लोगों ने भी यूज़ किया हो। अपने स्कोर्स को ज़रूर टाइप करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले कि किस तरीके से आप लोगों तक हमारी बातें पहुँच रही हैं। कोई अगर आपको डाउट है तो आप उसे भी टाइप कर सकते हैं, पूरी कोशिश करी जाएगी उसे सॉल्व करने की। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस, एंड वी वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर।